मायावती एक ऐसी नेता है जिन्होंने सियासी सफर में कई ऐसे फैसले लिए जो काफी चौंकाने वाले रहे। कई बार तो यूं हुआ कि कयासों का बाजार गर्म था और फैसला ऐसा आया जो तमाम कयासों के बिल्कुल विपरीत रहा। अब देखिए ना, किसने सोचा था कि जिस आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था उनसे एक पल में ही सारे पद वापस ले लिए गए। ये मायावती का ही फैसला था। दरअसल इसका कारण मायावती आकाश आनंद के दिए गए बयानों को बता रही हैं। चलिए एक एक कर आपको आकाश आनंद के वो बयान सुनवाते हैं जिनकी वजह से मायावती को ये कदम उठाना पड़ा। दरअसल 28 अप्रैल को उन्होंने सीतापुर में एक रैली के दौरान बीजेपी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई थी। आप भी सुनिए आकाश आनंद ने उस वक्त मंच से क्या कहा था। ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वो चप्पल जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसका उसके बदले तुम्हें वोट नहीं ये डंडा मिलेगा। वहीं सीतापुर में दिया आकाश आनंद का एक और विवादास्पद बयान सुन लीजिए। साथियों, जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। तो सुना आपने, आकाश आनंद के इन्हीं बयानों ने मायावती को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय समन्वयक की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। आकाश आनंद को पद से हटाए जाने के फैसले पर अलग अलग पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मायावती के इस फैसले पर बयान दिया है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो द्वारा भतीजे आकाश पर की कार्रवाई को लेकर परिवारवादी पार्टी को नसीहत दे डाली, साथ ही विपक्षी दलों को उनसे सीखने की बात कही। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा, परिवारवादी पार्टियों को बहन जी से सीखना चाहिए और इमैच्योर लड़कों को हटाकर मैच्योर नेताओं को अपना नेतृत्व सौंपना चाहिए।